बच्चों पहले अध्याय के अंदर एक और टॉपिक अपन सीखेंगे और वो टॉपिक है स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है? शब्द से ही, इसके नाम से ही हमको स्पष्ट हो रहा है, स्थान वाला मान। जैसे कोई संख्या दे दी आपको 24,075। अब इसके अंदर सभी अंकों का हम स्थानीय मान देखेंगे, सीखेंगे कैसे होता है। तो सबसे पहले स्थानीय मान दो का पूछ लिया, दो का पूछते करने से बताते हैं हम, और अगर एक का पूछे तो हमको सिर्फ एक का ही बताना होता है। तो सबसे पहले दो का है ना, 24,075 में, 24,075 में अंक दो का स्थानीय मान। तो जैसा हमने विस्तृत रूप देखा था विस्तारित रूप वैसा ही है, दो का स्थानीय मान दो लिखेंगे और उसके बाद में 1, 2, 3, 4 अंक हैं, हमको 4 0 लगाने। ये दो का स्थानीय मान है। स्थानीय मान दो का क्या हो गया? इकाई, इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब ये पूरे मिलाकर में क्या हो रहे हैं? 20,000 हो रहे हैं। तो दो का स्थानीय मान होगा 20,000। आया समझ में? इसी तरीके से 24,075 में अंक 4 का स्थानीय मान, 4 वाला अंक लिया और उसके इधर इकाई दाई सैकड़े की तरफ से गिनते हुए कितने अंक हैं? 1, 2, 3 अंक हैं, तब 300 लगा देंगे, 3 0 लगा देंगे। तो इसका मान आएगा 4,000। 20,000 इसका दो का मान, 4 का मान आएगा 4,000। ये स्थानीय मान होते हैं। और ये जो पूरा लिखा हुआ है ये विस्तृत रूप है, और इसका जब मान पूछा जाएगा तो हमको 20,000 बोलना पड़ेगा। फिर तीसरा अंक है 24,075 में 0, 0 अंक 0 का स्थानीय मान, 0 और इधर इकाई की तरफ से गिनते हुए देखेंगे कितने अंक है, इकाई दहाई तीस नंबर पे 0 आ रहा है, तो 2 अंक हैं और 2 0 लगा देंगे। तो 0 का मान इसमें जो 0 ही होगा, 0 ही होगा, क्योंकि इसके इकाई और दहाई की तरफ 0 लग गए और खुद का मान 0 है, तो इसका कुल मिला के मान भी 0 हो गया। सैकड़े में कोई सी भी संख्या नहीं। 24,075 में अगला अंक लेते हैं 7। सात का स्थानीय मान, 7 की जगह 7 रखेंगे और उसके इकाई की तरफ से गिनना शुरू करेंगे, एक ही अंक होता है, 1 0 लगा देंगे। तो इसमें 24,075 में 7 का वास्तविक स्थानीय मान क्या है? 70। इसमें 0 का स्थानीय मान 0 है। 24,075 में 4 का स्थानीय मान 4,000 है और 24,075 में 2 का स्थानीय मान 20,000 है। इसी तरीके से अंतिम अंक 5 का भी निकाल लेते हैं। 5। इनको भी अगर टोटल ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे तो अंतिम जाकर के संख्या वही बनेगी, 5, 7, 0, 4 और 2, 24,075। ये स्थानीय मान बहुत सरल टॉपिक है, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया। तीसरा प्रश्न आपके बोर्ड पर है, विस्तारित रूप दिए हुए रहेंगे और हमको संख्या के रूप में लिखना है।
पहला विस्तारित रूप है 40,000, 5,000, 770 और 2। दूसरा विस्तारित रूप है 60,000 और फिर 20 और 6। 60,000 हजार वाले स्थान पर कुछ नहीं बोला हूँ, चार अंक जीरो के, उसके बाद सेंटर के स्थान पर कुछ नहीं बोला तो 3-0, उसके बाद मैंने बोला 20 और 6, यानी कि दहाई वाले स्थान पर 20, इकाई वाले स्थान पर 6। तीसरा है 39,908। चौथा है 50,000, 2,810 और 1। 50,000, 2,810 और 1। और अंतिम इसका पांचवा है 80,008, सीधा ही आठ आएगा 80,000। अब इनको संख्याओं के रूप में लिखना है, विस्तारित रूप दिए हुए हैं आपको और इन विस्तारित रूप को हमको कन्वर्ट करके संख्या के रूप में लिखना है। तो बहुत सरल तरीका है, इसका पहला अंक ले लो ये 4, इसका पहला अंक ले लो ये 7, इसका पहला अंक ले लो ये 7, इसका पहला अंक ले लो ये 7, इसका भी पहला अंक ले लो ये 2। हो गया इसका संख्या के रूप में लिखा हुआ मान, और ये है विस्तारित मान। विस्तारित मान में एक एक अंक का पूरा मान क्या होता है वो दिया हुआ रहता है, स्थानीय मान के तरीके से होता है। इसमें भी 6 पहला अंक ले लिया, इसका भी पहला अंक, इसका भी पहला अंक, इधर भी इसका पहला अंक और इसका ये एक ही अंक है तो ये अंक ले लेंगे। ये काम इसमें करेंगे, सभी संख्याओं का विस्तारित रूप से संख्या के रूप में लिखने पर जो विस्तारित रूप दिए हुए हैं उनके सभी के पहले पहले अंक हम एक साथ में लिख देते हैं तो हमको संख्या के रूप में उसका मान पता चल जाता है कि उसका पूरा मान कितना है। इस विस्तारित रूप का पूरा जो मान है वो है 39,908। यही काम इसमें करेंगे, इकाई वाले अंकों को जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन कर लिया है हम सबको एक साथ में करना से लिख देते हैं। हमको इसका इस विस्तारित मान का इस विस्तारित रूप का संख्याओं के रूप में मान आ गया 52,811। यही काम इसमें करेंगे, इकाई जो पहले पहले अंक है हम सबको एक साथ में लिख देंगे 8,000,008, 80,008। ये हमारा तीसरा प्रश्न हो गया, प्रश्न हो गया। इसको भी अच्छी तरीके से बंद कर देना, पेंसिल और स्केल की सहायता से, पेंसिल और स्केल का हमको अच्छा प्रयोग करते हुए इसको बंद करना है। चौथा प्रश्न हम लेंगे, उसके अंदर स्थानीय मान पूछा हुआ रहेगा, स्थानीय मान से संबंधित चौथा प्रश्न रहेगा। नीचे दी गई संख्याओं को स्थानीय मान के रूप में लिखो, नीचे दी गई संख्याओं में संख्याएं कुछ भी दे रखी है उसमें सिर्फ 2 अंकों का पूछा हुआ है, 6 व 2 का स्थानीय मान लिखिए या बताइए। ठीक है, अब इसमें पहली संख्या दे दी 28,506,
स्थानीय मान में सीख लिया था, यानी कि 6 का और 2 का स्थानीय मान बताना है। तो 28,506 में पहले 6 का स्थानीय मान बता देते हैं। 6 का स्थानीय मान बराबर 6 या 6 होगा लिख सकते हैं ना। और 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 28,506 में 2 का स्थानीय मान, 2 कहाँ पर, 2 लिखा तो उसके इधर कितने अंक हैं, कितने कितने जीरो लगा देंगे, इकाई संख्या हजार, यानी कि 1, 2, 3, 4 अंक हैं, 2 के इधर 4 अंक हैं तो 4 जीरो लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2 का स्थानीय मान और ये 6 का स्थानीय मान। इसका दूसरा भाग देखेंगे, इसमें हर एक भाग को मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि इसके हर एक प्रश्न में एक एक लाइन जोड़ना ज़्यादा अच्छा लगेगा, उत्तर करने का तरीका ठीक रहेगा। 36,265 ये दूसरा प्रश्न, इसी चौथे प्रश्न का दूसरा भाग है। 36,265 में 6 का स्थानीय मान, 36,265 में 6 का स्थानीय मान। अब यहाँ देखेंगे, इधर से लेते हैं, एक 6 ये आया, उसके इधर 1, 2, 3 अंक हैं तो 3 जीरो लगाएंगे। अब हमको दिख रहा है कि इसमें 1 और 6 है तो दोनों 6 का स्थानीय मान ले लेंगे। ये बात दूसरी बार लिख लेते हैं, 36,065 में 6 का स्थानीय मान बराबर 6, पहले 6 का होगा 6,000 और दूसरे 6 का हो गया 60। अब इसमें 2 का भी बताना है, 36,265 में 2 का स्थानीय मान, 2 से एक वाले स्थान पर है, 2 लिखा और उसके इधर अंकों को गिना, इकाई का 2 अंक हैं तो 2 जीरो लगा दिए। इस तरीके से इससे 36,265 में हमने 6 और 2 दोनों के स्थानीय मान बता दिए। तीसरा है 52,260, में पहले 6 का निकालते हैं, 6 का स्थानीय मान, 6 लिखा कहाँ पर, दहाई वाले स्थान पर, 6 को 6 लिखा और उसके इधर अंक कितने, इकाई, एक ही अंक है तो उस एक ही अंक की जगह हम 1 जीरो लगा देंगे। अब 52,260 में 2 का स्थानीय मान, 2, इसके इधर 1, 2, 3 अंक हैं तो हम 3 जीरो लगा देंगे, 1, 2, 3, फिर ये वाला बोल लेते हैं ना, 52,260 में 2 का स्थानीय मान। अभी ये वाला सीखने वाला बोल ले रहे हैं ना, तो ये 2 और उसके इकाई और दहाई 2 अंक हैं इधर तो 2 जीरो लगा देंगे। अब जैसे इसमें 2 अंक 2 बार आ गया तो इसको साथ में भी लिख सकते हैं 2,000 और 200, ताकि हमको ये एक लाइन कम लिखनी पड़ेगी, लेकिन ये हमको समझना है अभी इसलिए इसी तरीके से करेंगे। साथ में भी लिख सकते हैं, जैसे इसमें 6 का 2 बार पूछा हुआ है तो 6,060 दोनों मान एक साथ में आ सकते हैं। संख्या में से निकाला था।
तो तीन भाग उसके मैंने आपको बोर्ड पे समझाए थे। चौथा उसका भाग जो है 69,242 और पांचवा है 82,563। अब इन दोनों को आपको गृहकाय के रूप में करना है। तो जब गृहकाय करते हो तो गृहकाय का क्रमांक लगाना है, गृहकाय क्रमांक एक। चौथे प्रश्न के दो भाग हैं।